पहले बुला लिया। मैं चाहता तो था कि लास्ट तक रुकूं, मैं कार्यक्रम देखूं, बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए एक बहुत शानदार ताली बजा दीजिए, इतना अच्छा उन्होंने अभी नाटक मंचन किया। मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। सामने भी मैं देख रहा हूँ इतने सारे फादर बैठे हैं, बिशप्स बैठे हैं, आर्क बिशप्स बैठे हैं और इतने सारे लोग आज इस कार्यक्रम में हम सब लोग एक साथ क्रिसमस मनाने के लिए जीसस क्राइस्ट का जन्म के उपलक्ष्य में हम सब उनका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई। हमारे देश का यही करिश्मा है कि हम तरह तरह के इतने सारे हमारे देश में धर्म के लोग हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, संस्कृति हैं, इतने सारे भाषाएं हैं और भारत एक है मुट्ठी की तरह। हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ उल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम सब लोग मिलके क्रिसमस मना रहे हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मना रहे हैं। हिंदू भी मना रहे हैं, क्रिश्चियंस भी मना रहे हैं, मुस्लिम भी मना रहे हैं, सिख भी मना रहे हैं, जैनी भी मना रहे हैं, बुद्धिस्ट भी मना रहे हैं, पारसी भी मना रहे हैं, सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग मना रहे हैं। इसी से दिवाली भी सब लोग मनाते हैं, सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, होली भी सब लोग मनाते हैं, ईद भी सब लोग मनाते हैं, सभी त्यौहार हम सब लोग मिल के मनाते हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। पूरी जिंदगी उन्होंने, अपनी जिंदगी का एक एक क्षण उन्होंने गरीब से गरीब, बीमार और जो सबसे पिछड़े लोग थे उनके लिए, उनकी सेवा में उन्होंने पूरा जीवन या जीवन दान किया। हमें भी इसी तरह से, हम 24 घंटे अपनी जिंदगी में लगे रहते हैं, 24 घंटे कितना और कमा लें, कितना और सत्ता मिल जाए, कितना और अपने लिए काम कर लें, अपने बच्चों के, इसी में लगे रहते हैं, इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। लेकिन अंत पंत में काम तो यही आएगा कि दूसरों के लिए क्या किया। मरने के बाद जब ऊपर जाएंगे तो भगवान यही पूछेगा कि तेरे को इतना मनुष्य जीवन दिया था, इस मनुष्य जीवन में तूने क्या काम किया दूसरों के लिए। वहां पे ये काम नहीं आएगा कि हमने अपने लिए क्या किया और अपने परिवार के लिए क्या किया और कितने पैसे कमाए और कितनी तरक्की करी। वहां ये काम आएगा कि दूसरों के लिए क्या किया। सबसे मार्मिक क्षण तो वो है जीसस क्राइस्ट के जीवन का, जब उनके शरीर में कीलें गाड़ी जा रही हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और वो कहते हैं हे भगवान इनको माफ कर देना क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आप सोच के देखो, हमें कोई आदमी जरा सा कुछ दुख पहुंचाए तो हम कहते हैं भगवान छोड़ियो मत इसको, कल मेरे को मौका मिला तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो भगवान से उन लोगों के लिए माफी मांग रहे हैं जो लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके शरीर में कीले गाड़ रहे हैं। ये हमें अपने जीवन में, मैं मानता हूँ जीसस क्राइस्ट भगवान थे तो हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन उनके जीवन से हमें ये बातें सीखनी चाहिए। धीरे 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 हम भी अपने जीवन में जितना इसको धारण कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। और जितने भी धर्म के, भगवान राम के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है, कृष्ण जी के जीवन से सीखने की ज़रूरत है, प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन से सीखने की ज़रूरत है, जीसस क्राइस्ट के जीवन से सीखने के, जितने महान लोग हैं, जितने भगवान हैं, सबके जीवन से अपने को सीखने की ज़रूरत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें। सुनने में आ रहा है चाइना में बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, वीडियो भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वहाँ से और दूसरे देशों में फैलता जा रहा है। अभी अभी उसी की मैं मीटिंग लेके आ रहा हूँ, सारे ऑफिसर्स को बुलाया हुआ था। अभी दिल्ली या भारत में तो ज़्यादा नहीं पहुँचा है, भारत में तो 4 ही केस आए हैं उस वेरियंट के। अभी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, अगर होता भी है तो पूरी तैयारी भी हम लोगों ने कर ली है। लेकिन फिर भी आज इस मौके पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान अब दोबारा और कोरोना मत देना,
बहुत भुगता हमने, 3 वेव आई अपने यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशानी झेली, और कोरोना ना आए लेकिन अगर आता है तो फिर से मिलके मुकाबला करेंगे, सब लोग मिलके मुकाबला करेंगे जैसे पिछली बार किया था, और सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं जो भी करने की ज़रूरत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो, इस मौके पे आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सीएम सर, इतने सुंदर वर्ड्स के लिए, आपके प्यार के लिए दिल्ली वालों से, और इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। विश यू अ मैरी क्रिसमस फ्रॉम अस टू यू।